आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल, कल सोमवार को कांग्रेसी पार्षदों ने 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए नगर पालिका कार्यालय के सामने दिया धरना। सीएमओ को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मौके पर ज्ञापन लेने पहुंचे एई को भेंट की चूड़ियां। सीएमओ ने 7 दिन में समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन। बैतूल, कोसमी फोरलेन के पास जमीन पर होगा शिव महापुराण कथा का वाचन। नामकरण किया गया शिवधाम के रूप में। रविवार को किया गया था भूमि पूजन। कल सोमवार से टेंट आदि लगाने का कार्य हुआ प्रारंभ। जमीन को किया जा रहा है समतल, साथ ही पार्किंग की भी बनाई जा रही है व्यवस्था। आगामी दिसंबर माह में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की जाएगी कथा। तैयारियां युद्ध स्तर पर। बैतूल, ग्राम बोरगांव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने की शिकायत के बाद पहुंचे नायब तहसीलदार। मौका स्थल का किया निरीक्षण। अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिए निर्देश। बैतूल, बिजदेई पुलिस ने ठगी के एक आरोपी को छिंदवाड़ा से किया गिरफ्तार। कल बैतूल जिला चिकित्सालय में उक्त आरोपी राजा का कराया गया मेडिकल। बैतूल, खाद्य विभाग के संविदा कनिष्ठ विक्रेता कल पहुंचे कलेक्टर ऑफिस। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बैतूल कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बैतूल, चेक बाउंस के मामले में सारनी पुलिस ने आरोपी वार्ड क्रमांक 4 इंदिरा नगर निवासी धर्मराज रघुवंशी को कल किया गिरफ्तार। 2017 का था मामला। जिला अस्पताल में कल कराया गया आरोपी का मेडिकल। बैतूल, खेड़ी सावलीगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया ढाना में आदिवासियों ने कल मनाई दीपावली। लंपी वायरस के कहर के चलते ग्रामीणों और किसानों ने नहीं मनाई थी दीपावली। लंपी वायरस से निजात मिलने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर। कल अपने मवेशियों को सजाया, साथ ही पारंपरिक नृत्य करते हुए मवेशियों की करी पूजा। बैतूल, जेएच कॉलेज बैतूल में संविधान दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को दिलवाई गई शपथ। संविधान को लेकर की गई विस्तृत परिचर्चा। जेएच कॉलेज बैतूल के एनएसएस के जिला संगठक डॉक्टर सुखदेव डोंगरे ने संविधान की दिलाई शपथ। कहा, भारत का संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा लिखित संविधान। परिचर्चा को सफल बनाने हेतु कुणाल केतपुरे, कविता शिवानी मोहबे, नीति अंजलि मालवी, निकिता सरियाम का रहा सक्रिय योगदान। मुलताई, ग्राम डुडरिया बलढाना और बिस्खान के आदिवासी कल पहुंचे मुलताई तहसील कार्यालय। किसानों ने मुलताई तहसील कार्यालय पहुंचकर मुलताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा को सौंपा ज्ञापन। आदिवासियों ने की शिकायत। कहा, 1973 में मिले पट्टे की भूमि से उन्हें किया जा रहा है वंचित। वन विभाग द्वारा छीनी जा रही है जमीन। मुलताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ डॉक्टर अभिनव शुक्ला के नेतृत्व में कल आयोजित की गई मासिक बैठक। बीएमओ द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मुलताई नगर के शासकीय कन्याशाला मुलताई में कल किया गया बाल मेले का आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष नीतू प्रहलाद परमार ने किया इस दौरान आयोजन का शुभारंभ। स्वादिष्ट व्यंजनों का अतिथियों सहित छात्र छात्राओं ने लिया आनंद। मुलताई एक्सीलेंस स्कूल ग्राउंड पर 4 दिसंबर से प्रारंभ होगा क्रिकेट टूर्नामेंट। एक नया परिंदा फाउंडेशन करवा रहा है एबीएम कप 2022। विजेता को मिलेंगे 1,11,111 रुपए। इस संबंध में आयोजन समिति के उपाध्यक्ष रॉबिन सिंह परिहार ने ताप्ती अर्जुन मीडिया को दी विस्तृत जानकारी। आमला, पुलिस ने मोवाड़ निवासी युवक के डैम में डूबने के मामले में कल अस्पताल में कराया पोस्टमार्टम। 27 नवंबर को लाखापुर डैम में डूब गया था मोवाड़ निवासी
विजय उई की हो गई थी मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। शाहपुर सालीमेट गांव में एसटीआर की टीम के नहीं पहुंचने से नहीं हो पाया है मगरमच्छ का रेस्क्यू। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तालाब में तवा नदी से पहुंच गया है मगरमच्छ। शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ महिला डॉक्टर रूपा वर्मा के साथ अभद्रता करने वाले हेमंत सोनी नाम के युवक पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कल अस्पताल के कर्मचारी पहुंचे थाना प्रभारी के पास। थाना प्रभारी शिव नारायण मुकाती को सौंपा कड़ी कार्रवाई किए जाने के संबंध में ज्ञापन। भैंसदेही ग्राम पंचायत केरपानी में समूह की महिलाएं चला रही है नल जल योजना। नल जल योजना के संबंध में पानी न मिलने की शिकायत के बाद तत्काल किया जाता है समस्या के समाधान का प्रयास। ग्रामीणों में नल जल योजना के संबंध में खुशी की लहर। आठनेर नगरी क्षेत्र के वन विभाग में वन सेवकों को किया गया वर्दी का वितरण। वरिष्ठ अधिकारी जीएल चौनवारे सहित रेंजर अमित पवार भी रहे उपस्थित। चिचोली बस स्टैंड पर स्थित 75 वर्षों पुरानी स्कूली इमारत को प्रशासन द्वारा 2 घंटे में जेसीबी से किया गया धराशायी। 1950 के समथिंग बनी थी इमारत। बालक स्कूल की इमारत लंबे समय से थी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। प्रशासन द्वारा जेसीबी चलाकर किया गया धराशायी।